गुड मॉर्निंग स्टूडेंट अगेन वी आर बैक विद द न्यू टॉपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन द प्रीवियस क्लास एट द लास्ट टाइम दैट आई विल कंटिन्यू द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द नेक्स्ट क्लास सो दिस इज द टाइम टू कंटिन्यू दिस टॉपिक द फर्स्ट पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज नाइट्रोजन इज एन असेंशियल न्यूट्रिय फॉर प्लांट्स प्लांट के लिए नाइट्रोजन हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट और असेंशियल न्यूट्रिय माना जाता है इट इज बट इट इज नॉट डायरेक्टली यूज बाई द प्लांट ये डायरेक्टली प्लांट के द्वारा यूज इस्तेमाल नहीं किया जाता है इट शुड बी कन्वर्ट इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इं टू नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट्स नाइट्राइड्स एंड अमोनियम टू बी यूटिलाइज बाई प्लांट ताकि उस उसका इस्तेमाल प्लांट के लिए किया जा सके नेक्स्ट पॉइंट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ फ्री एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू यूजफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड इस कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन ये एक डेफिशन है नाइट्रोजन फिक्सेशन का Uh, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट मैनी लेगुमिनस प्लांट ऐसे बहुत सारे लेग्युमिनस प्लांट होते हैं जनरली एज वी नो रबी क्रॉप्स आर जनरली लेग्यूमिनस एज लाइक एग्जाम्पल पी बीन्स पल्सेस हैव रूट्स उसके पास रूट्स होते हैं कंटेनिंग नोड्यूल्स विच विच होस्ट राइजोबियम बैक्टीरिया इन देयर रूट्स रूट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है एज अ होस्ट रहता है uh, नेक्स्ट पॉइंट इट ऑल्सो गेट फिक्सड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग लाइटनिंग के थ्रू भी ड्यूरिंग द थंडरिंग उसके उस टाइम में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इट इज़ नाइट्रोजन साइकिल हाउ द नाइट्रोजन इज साइकिल इन इन दिस यू नो हमारे लाइफ में सराउंडिंग्स में कैसे ये सर्कुलेट करता है ये हम लोग को जानना है कि हाउ इट इज़ यूज बाई द प्लांट हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर द एनिमल्स हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द सॉयल एंड अगेन इट विल कन्वर्ट इन टू नाइट्रोजन आवर एटमोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अबाउट सेवेंटी एट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन ये हम लोग जानते हैं कि हमारे एटमोस्फेयर में टोटल नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो सेवेंटी एट परसेंट है इन टोटल नाइट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेस इन ऑल द लिविंग बींग्स दिस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैनॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स ये पहले भी हमने बताया कि एटमोसफेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है वी गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड प्रजेंट इन द फूड जो फूड में पाया जाता है वो नाइट्रोजन का ही फॉर्म है प्लांट टेक इट फ्रॉम सॉयल और प्लांट जो लेता है वो सॉइल से लेता है सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कन्वर्ट्स दिस नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोसफेयरिक एटमोसफेयर इन टू कंपाउंड सच एज नाइट्रेट एंड रिलीज देम इन द सॉइल ये पहले भी मैंने बताया कि नाइट्रोजन nitrogen को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है नाइट्रेट नाइट्राइट अमोनियम इसको कन्वर्ट करता है और सॉइल में रिलीज करता है सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड नाइट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया को हम लोग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट प्लांट्स यूटिलाइज दिस नाइट्रेट और उस नाइट्रेट को जो नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ उस नाइट्रेट को प्लांट इस्तेमाल करता है फ्रॉम द सॉयल थ्रू देयर रूट्स रूट के थ्रू एंड एनिमल्स एंड एंड देन एनिमल्स इट दैट प्रोडक्ट्स विच आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन और फिर उसी प्लांट के प्रोडक्ट को प्लांट को जानवर खाता है जिससे वो प्रोटीन गेन करता है वेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई जब वो एनिम जानवर पेड़ पौधे डेड हो, होते डाई होते हैं मर जाते हैं बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन दॉयल ऑलरेडी सॉइल में पाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स द नाइट्रोजेनस वेस्ट इन टू नाइट्रोजेनस कंपाउंड वही कन्वर्ट करता है डिग्रेड करके

द साइलिक मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपाउंड्स ऑफ बायोस्फीयर इस कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम इंपॉर्टेंट है ये ड्रॉ भी करना इंपॉर्टेंट है दिस इज मस्ट टू ड्रॉ इन द कॉपी आल्सो. दिस नाइट्रोजन साइकिल एज आई हैव मैंसन हेयर एज अ डाइग्राम एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन दैट इज़ नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है एंड आफ्टर दैट दैट इज़ यूज बाई द प्लांट फॉर द फूड है ना प्लांट प्रोटीन का फॉर्मेशन ये सारा जो साइकिल आपको कॉपी में ड्रॉ करना होगा एंड इट इज़ मस्ट टू प्रैक्टिस ऑल्सो सो द चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ओवर सो दैट्स ऑल थैंक यू हैव एन आई स्टे एंड आई ट्राई टू गिव यू द क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट क्लास एंड आफ्टर दैट आफ्टर फिनिशिंग द क्वेश्चन आंसर आई विल स्टार्ट दैक्स्ट Chapter. So that's all. Thank you. Have a nice day. And please, again, I'm repeating don't forget to subscribe and like the channel. That's all. Thank you. Have a nice day.